आपका स्वागत है करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है कि आज का जो जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ वो है कि USFDA जो होता है बेसिकली वो फार्मा इंडस्ट्री के लिए क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिकली यहाँ जिस फार्मा इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ वो है इंडिया, मतलब भारत में जो USFDA का क्या इफेक्ट है और भारत की जो फार्मा इंडस्ट्रीज हैं वो USFDA को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों देती है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं इस वीडियो के अंदर ये नहीं बताऊंगा कि USFDA कैसे चालू हुआ, उसका इतिहास क्या है, इसके लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर जो मेरा टॉपिक है वो है कि USFDA का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। कि अगर आप जानते हो, अगर आप फार्मा पर्सन है या अभी बी फार्मा में पढ़ रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं या एम फार्मा कर रहे हैं और फार्मा इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि USFDA हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और जितनी भी फार्मा कंपनीज है इंडिया की वो USFDA को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। यहाँ तक कि हर इंडिया की जितनी भी कंपनी है, चाहे इंडिया की जितनी मल्टीनेशनल कंपनी है, फार्मा कंपनीज है, वो अपना प्रोडक्ट जो है वो USA को सप्लाई करना चाहती हैं या वो USFDA अप्रूव्ड होना चाहती हैं। कि USFDA अप्रूव्ड आप तभी हो पाओगे, मतलब आप अगर अपना माल, मतलब कोई भी फार्मा इंडस्ट्री इंडिया की और वो अपना प्रोडक्ट जो है वो USA में सेल करना चाहती है तो उसको USFDA अप्रूव्ड होना पड़ता है। जब तक USFDA अप्रूव्ड वो नहीं होती है, मतलब US फूड एंड कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट होता है और वो अप्रूवल देता है, जब तक वो अप्रूवल नहीं देगा तब तक आप अपना प्रोडक्ट USA में सेल नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा कि USFDA इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए USA दुनिया की अकेली एक कंट्री नहीं है, दूसरी कंट्री भी हैं जो डेवलप्ड हैं। अगर आप चाहें तो रशिया है, कनाडा है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ये कंट्रीज भी डेवलप्ड हैं। बट इतना इम्पोर्टेंस US को क्यों, USA को क्यों, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को क्यों, मेरा टॉपिक इस बात पर है। तो सबसे पहली बात तो ये कि USA को फार्मा इंडस्ट्रीज इतना इंपॉर्टेंस क्यों देती है, तो मैं एक एक पॉइंट करके ये समझाने की कोशिश करूंगा कि USFDA फार्मा इंडस्ट्री के अंदर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए सबसे पहली बात, जो सबसे मेरा पहला पॉइंट होगा वो ये होगा कि USA सबसे ज्यादा डेवलप कंट्री है। अगर आप पूरे वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज्यादा डेवलप कंट्री जो है वो USA में है। तो बेसिकली वहां पर क्या होता है कि हर कंपनी जो होती है वो अपना प्रोडक्ट जो है वहां पर बेचना चाहती है, क्योंकि उसकी जो वहां पर जो कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट की जो कमाई है वो बहुत ज्यादा होती है। एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको दूंगा कि इंडिया में बिकने वाली जो डिस्प्रिन है, जो हमारे यहाँ डिस्प्रिन जो एस्प्रिन मिलती है, उसकी कीमत है 45 पैसे, 45 पैसे की वो इंडिया में मिलती है। वहीं अगर वही डिस्प्रिन अगर आप अमेरिका में खरीदोगे तो उसकी कीमत है $7 की वो डिस्प्रिन वहाँ पर आपको मिलेगी। इसका मतलब ये है कि प्राइस में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ की जो, ऐसे नहीं है सेम डिस्प्रिन की बात कर रहा हूँ, दोनों की डिस्प्रिन में अंतर है। बेसिकली दोनों एस्प्रिन कंटेंट करती है बट प्योरिटी में डिफरेंस है। इंडिया की जो डिस्प्रिन मिल रही है उसकी प्योरिटी बहुत ही कम है, जबकि अमेरिका में जो मिलती है उसकी प्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए प्योरिटी का डिफरेंस है इस वजह से। बट कंपनी को सबसे ज़्यादा फायदा कहाँ होगा, इंडिया में नहीं, अमेरिका में बेचने पे। इसलिए सब कंपनी, जितनी भी इंडिया की कंपनी है, वो अपना प्रोडक्ट जो है वो अमेरिका में सेल करना चाहती हैं। उसके अलावा दूसरी कई चीज़ें हैं, जैसे कि USFDA बेसिकली कह सकते हैं कि जो जोड़ देता, मतलब मैं थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रॉडली आपको बता देता हूँ कि USFDA जो इंस्पेक्शन होता है, USFDA जो फूड डिपार्टमेंट है USA का, वो बेसिकली चेक क्या करता है, तो एक छोटी सी गाइडलाइन बताऊंगा। USFDA कुछ भी नहीं है, आप जो GMP और CGMP पढ़ते हैं वही USFDA है, कुछ भी नहीं है। आप अपना प्रोडक्ट जो है, अगर आप कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट अगर USA को सप्लाई करना चाहती है, प्रोवाइड कराना चाहती है, तो उनको CGMP और GMP फॉलो करना होता है। USA की जो अथॉरिटी होती है वो आपकी इंडस्ट्री में आकर बस यही चेक करती हैं कि आप उस GMP और CGMP को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको USA जो USFDA है वो सर्टिफाइड नहीं करती है और आप अपना प्रोडक्ट वहाँ पर सेल नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको GMP और CGMP फॉलो करना है। ये एक मोटे मोटे फॉर्म में मैंने आपको बताया, बाकी मैं एक डीपली वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा USFDA का बताऊंगा कि क्यों USFDA की शुरुआत कहाँ से हुई, CGMP GMP क्या होते हैं, एक ब्रॉड पूरा वीडियो बनाऊंगा। और वो USFDA जो पर्सन्स होते हैं वो कैसे रीड आउट करते हैं और इस ऑडिट के अंदर कैसी प्रोसेस होती है, वो एक अलग पार्ट है। मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ USFDA की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले USA का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा डेवलप कंट्री है, आपका जो प्रोडक्ट होगा वो वहाँ पर एक प्रॉपर कॉस्ट में बिकेगा, जिससे आपकी कंपनी को भी फायदा होगा। दूसरी चीज़ ये, फार्मा के अंदर अगर हम USA की बात करें तो
यूएसए, जो यूएस एफडीए है वो बेसिकली दूसरी कंट्रियों के काफी ऊपर है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक वर्ड होता है डॉन, तो अगर आप बोलें तो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जो डॉन है वो यूएसए है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा डेवलप कंट्री वो है, तो आपका जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट भी सबसे ज्यादा वो देता है। उसके अलावा जैसे अगर आप देखें तो यूएसए की जनसंख्या तो है वो तो 35 करोड़ है, 35 करोड़ है, बट वो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो फार्मा प्रोडक्ट जो है वो खरीदती है, क्योंकि वो दूसरी कंट्रीज को भी फ्री में ड्रग्स प्रोवाइड करवाती है। मतलब कई ऐसी कंट्रीज हैं जिनको ड्रग्स की जरूरत है बट उनके पास पैसे नहीं है, तो यूएसए उनको प्रोवाइड कराता है, क्योंकि सीधी सी बात है कि इस पूरी दुनिया का जो डॉन है वो अमेरिका है, इसलिए वो अपना एक पूरा इस चीज का फर्ज भी निभाता है कि वो काफी इंडस्ट्रीज, काफी ऐसे देश जो गरीब देश हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हो गई या कई ऐसी कंट्रीज जहाँ पर युद्ध छिड़ा हुआ है, कई गरीब लोग हैं या WHO है, तो उनको काफी ड्रग्स प्रोवाइड करवाता है, इसलिए वो काफी ज्यादा ड्रग्स जो है वो फार्मा इंडस्ट्री से सेल कर परचेस करता है बेसिकली। तो परचेसिंग उसकी बहुत अच्छी होती है और वो अमेरिकन रेट्स पे ही परचेस करता है, इसलिए काफी सारी कंपनियों को फायदा होता है। दूसरी चीज, एक चीज और तो ये हो गई कि बहुत ज्यादा डेवलप कंट्री है, काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीदता है और जो प्राइस है वो भी अमेरिकन डॉलर्स में वो पे करता है। एक चीज ये कि अगर आप देखें तो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जितने भी डेवलप्ड मतलब ब्रांड्स है, मतलब आप, मैं बोलूँ कि अगर क्यूसी लैब के अंदर देखें तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं या जो प्रोडक्शन के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी मशीनें यूज होती हैं वो सब यूएसए से ही मैन्युफैक्चर होते हैं। अधिकतर जो बेस्ट कंपनीज हैं जैसे HPLC में वाटर्स है, थर्मो फिशर है, ये सारी कंपनीज जो हैं वो यूएसए की हैं। इसलिए इन बेसिकली जो ये मशीनें यूज हो रही है, ये मशीनरी यूज हो रही है, इन पे सबसे अच्छी जो पकड़ होती है वो यूएसए की होती है, क्योंकि वहीं पे बनी है। जो सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं वो भी यूएस के थ्रू ही डेवलप होते हैं, मतलब जो सॉफ्टवेयर है वो भी यूएस एफडीए फ्रेंडली होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब सभी चीजें यूएसए से बन के आ रही हैं तो यूएस एफडीए कंपनी के अंदर होने वाली किसी भी मिस्टेक को या वहां पर कोई भी किसी भी टाइप का फ्रॉड हो रहा है उसको यूएस एफडीए बहुत आसानी से पकड़ सकती है, क्योंकि सब चीजें उधर से ही बन रही है, चाहे मशीनरी हो सॉफ्टवेयर ही क्यों ना हो, तो उनकी जो पकड़ है वो बहुत ईजी है। इससे होता क्या है, देखिए क्या होता है कि अगर आपके पास यूएसए का सर्टिफिकेशन है, किसी कंपनी के पास यूएसए एफडीए अप्रूव्ड है और वो अपना प्रोडक्ट जो है वो यूएसए को सेल कर रही है, तो दूसरे देश, मतलब जो दूसरे छोटे देश हैं, वो आपकी कंपनी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास यूएसए अप्रूव्ड एफडीए का अप्रूवल है। कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास एक बड़े, मतलब कहते हैं ना कि एक शहर के अंदर कोई बहुत बड़ा गुंडा है या कोई डॉन है और उसका हाथ आपके ऊपर है कि आप उसके दोस्त हो गए, तो छोटे मोटे जो गुंडे होंगे वो आपको कभी हाथ नहीं लगाएंगे। सेम वैसा का वैसा ही होता है कि आपके पास तो यूएस एफडीए का अगर आपकी कंपनी के ऊपर एक बार हाथ आ गया और वो आपकी कंपनी से प्रोडक्ट्स परचेस करने लग गया, तो जो छोटे देश हैं वो आपके ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे और वो भी आपसे परचेस करना स्टार्ट कर देंगे, और उनके जो ऑडिट होंगे वो इतने ज़्यादा, मतलब उसमें आपको घबराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि यूएसए ने आपको क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है। दूसरी चीज ये है कि यूएसए में जो यूएस एफडीए होता है बेसिकली, वहां पर किसी भी टाइप की धांधली नहीं होती है, फ्रॉड नहीं होता है, आप उनके जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको खरीद नहीं सकते हैं, मतलब वहां पर फ्रॉड के कोई चांसेस होते नहीं है। पूरा जो एक जो ऑडिट होता है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर रिलेटेड होता है और वो बहुत ट्रेंड पर्सन होते हैं जो उनके ऑडिटर्स होते हैं, जिनको प्रॉपरली Washington DC के अंदर पूरी तरीके से ट्रेंड किया जाता है और उसके बाद उनको फिर इंडिया भेजा जाता है या जिस भी कंट्री में उनका प्रोडक्ट बन रहा है कंपनी के विजिट के लिए, और वो वहां पर ऑडिट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि यूएस एफडीए में गलती के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, यहां तक कि यूएस एफडीए के अंदर कई बार ऐसा हुआ है कि कई छोटी छोटी गलतियां, फार्मा इंडस्ट्री, जो इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर कई छोटी छोटी मिस्टेक्स थी, उनको भी यूएस एफडीए ने काफी बड़ा करके शो किया है, क्योंकि उनकी कंट्री में वो एक बहुत बड़ा क्राइम है, जबकि इंडिया में या इंडिया में उस टाइप की मिस्टेक्स को काफी लाइटली लिया जाता है, बट यूएस एफडीए के हिसाब से या यूएस के हिसाब से वो मिस्टेक्स काफी बड़ी हैं, क्योंकि ड्रग्स जो होती हैं बेसिकली वो ह्यूमन हेल्थ से रिलेट होती हैं, दवाइयाँ ह्यूमन से डायरेक्टली रिलेट करती हैं, उनकी लाइफ से डायरेक्टली रिलेट करती हैं, इसलिए यूएसए उसको काफी सीरियसली लेता है। इसलिए यूएसए का अप्रूवल बहुत मुश्किल से मिलता है और जिन कंपनियों को मिलता है उनके लिए मतलब ये हो जाता है कि फिर सारे दरवाजे खुल जाते हैं, वो अपना प्रोडक्ट किसी भी कंट्री को सेल कर सकते हैं, क्योंकि यूएसए अप्रूव्ड उनके पास प्लांट है, तो बेसिकली प्लांट वाइज उनको मिलता है या प्रोडक्ट वाइज भी यूएसए जो है बेसिकली वो अप्रूवल देता है। मतलब कई कंपनी ऐसी हैं जिनके प्रोडक्ट तो वो 200 बना रही हैं बट यूएसए ने केवल एक प्रोडक्ट को उनको अप्रूवल दिया है, या उनके पास 200 प्लांट हैं बट उनका एक प्लांट ही यूएसए अप्रूव्ड है, क्योंकि गाइडलाइन इतनी ज़्यादा कठिन होती हैं
कि कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी यूएसए अप्रूवल के लिए भी एक ही प्लांट बना पाती हैं या एक ही प्रोडक्ट जो होता है वो उनका सेल होता है। बेसिकली वो चाहती तो यही है कि उनके सारे प्रोडक्ट यूएसए खरीद ले और सारे प्रोडक्ट जो हैं वो सेल हो, बट जो जो प्लांट जो उनका पूरा प्लांट है जो यूएसए गाइडलाइन को फॉलो करता है और प्रॉपर यूएसए एफडीए के हिसाब से वो मैन्युफैक्चर बना है, पूरा कंस्ट्रक्शन वहां पर वैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसा है, तो ही यूएस एफडीए उसको अप्रूवल देता है। और वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, मतलब हर एक साल में दो साल में यूएसए एफडीए फिर कंटिन्यू उसको विजिट करता है और ऑडिट करता रहता है। यूएसए जो होता है बेसिकली वो लोगों की गलतियां भी माफ नहीं करता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि यूएसए बहुत यूएस एफडीए जो होता है वो काफी ज्यादा कह सकते हैं कि स्ट्रिक्ट होता है। स्ट्रिक्ट का मतलब ये हो गया कि अगर कोई पर्सन है, कोई भी एनालिस्ट हो गया है, कोई भी फार्मासिस्ट है, अगर यूएसए अप्रूव्ड प्लांट के अंदर कोई गलती करता हुआ पाया जाता है, कोई फ्रॉड कर रहा है और वो जानबूझ के कर रहा है, मैं एक बार बोलूंगा जानबूझ के अगर वो गलती कर रहा है बिना ट्रेनिंग के कर रहा है, तो यूएसए उसको ब्लैक लिस्टेड भी कर सकता है उस पर्टिकुलर पर्सन को। इससे उसका फार्मेसी में मतलब फार्मा इंडस्ट्री के अंदर तो करियर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, या वो फिर उसको किसी भी यूएसए अप्रूव्ड प्लांट के अंदर जॉब नहीं मिल सकती है। यहां तक भी कई बार ऐसे केसेस हुए हैं। तो यूएसए जो होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट भी होता है, इसलिए यूएसए अप्रूवल पाना किसी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। इंडिया की जितनी भी कंपनीज है, जितनी भी बड़ी कंपनीज है, चाहे वो सिप्ला हो, सन फार्मा हो, टोरेंट हो, आपके पास अरविंदो हो, ये जितनी भी कंपनियां है इनके बीच में जो भी कंपटीशन हो रहा है, बेसिकली कोई भी कंपनी नंबर वन तभी पहुंचेगी जब तक उसका प्रोडक्ट यूएसए में सेल होना स्टार्ट नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर इंडिया की नंबर वन कंपनी अगर सन फार्मा है, तो सन फार्मा नंबर वन इसलिए बनी है क्योंकि यूएसए उससे ज्यादा प्रोडक्ट खरीदता है, क्योंकि उसकी जो ग्रोथ होगी वो यूएसए से मिलने वाले पैसे से होगी। इंडिया भले ही उसके इंडिया में भी उसकी दवाइयां बिक रही हो या किसी भी कंट्री में बिक रही हो, बट यूएसए जो आपको पैसा देगा, जो डॉलर में पेमेंट करेगा, वो कोई भी कंट्री नहीं कर सकती है। इसलिए कोई भी कंट्री का जो कह सकते हैं कि शेयर मार्केट अगर बढ़ता है तो वो तभी बढ़ता है जब यूएसए अप्रूवल उसको मिलता है। और कई बार ऐसा भी होता है, कई कंपनी ऐसी हैं जो यूएसए एफडीए की वजह से ही बंद तक हो गई, जैसे रेनबेक्सी एक एग्जांपल है। रेनबेक्सी का जो बिकना, जैसे सनफार्मा ने खरीदा, रेनबेक्सी एक जमाने में बहुत बड़ी कंपनी होती थी इंडिया की, बट वो यूएसए अप्रूव्ड जो यूएसए जो उनका हुआ ऑडिट हुआ यूएसए एफडीए का, वो जब फेल हो गया और उनका जो प्रोडक्ट है वो यूएसए में सेल होना बंद हो गया, उसके बाद उस कंपनी की हालत हो गई कि वो आखिरकार बिक गई। तो यूएसए का इंडियन इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है और यूएस एफडीए काफी स्ट्रिक्टली होती है। एक चीज और मैं बोलूंगा, चलो मैं ये कहना चाहूंगा, एक आपको जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो अभी बी फार्मा कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं और अपना करियर इंडस्ट्री के अंदर स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक राय जरूर दूंगा कि वो कोशिश करें कि अगर वो अपना इंडस्ट्री का करियर अगर चालू करना चाहते हैं, तो कोशिश यही करें कि वो अपना करियर किसी यूएसए अप्रूव्ड प्लांट से स्टार्ट करें, क्योंकि अगर वो यूएसए अप्रूव्ड प्लांट से स्टार्ट करेंगे तो वो उसी कल्चर में ढल जाएंगे और वो किसी भी टाइप की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि उनको प्रॉपर और सही ट्रेनिंग मिलेगी। क्योंकि ये जो यूएसए अप्रूव्ड प्लांट है वो इंडिया में जहां भी काम कर रहे हैं, जितने भी चाहे वो सनफार्मा के हो, ल्यूपिन के हो, सिप्ला के हो, उनके इन सभी कंपनी के यूएसए अप्रूव्ड प्लांट अलग है। तो बेसिकली आप कोशिश यही करें कि यूएसए अप्रूव्ड प्लांट में ही जॉब करें, क्योंकि वहां पर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, सही ट्रेनिंग मिलेगी और किसी भी टाइप की गलती की गुंजाइश नहीं होगी। और उसके बाद आप जब कंपनी को स्विच करेंगे तो आपका जो पैकेज होगा वो भी काफी अच्छा होगा, आपकी सैलरी काफी अच्छी होगी और साथ ही साथ आपके करियर के लिए बहुत अच्छा होगा, साथ ही साथ आपका जो रिज्यूमे होगा वो भी काफी अच्छा बनेगा। तो कोशिश करेंगे यूएसए अप्रूव्ड प्लांट के साथ ही अपना करियर स्टार्ट करें। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, बेसिकली यूएस एफडीए से रिलेटेड मेरे पास काफी ऐसे वीडियोस हैं जिसमें मुझे अभी बात करनी है और मैं आने वाले टाइम पे वो बनाता रहूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई टॉपिक कोई टफ लग रहा है, किसी के बारे में आप इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो जरूर मुझे बताएं, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, बने रहिए मेरे साथ। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट पर ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो ईमेल आईडी हो या चाहे उसका मोबाइल नंबर हो हमारा, वो सभी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, कोई पीएचडी वर्क से जुड़े हुए हैं, या आप कोई ऐसे कोर्स से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, या आपके पास कुछ ऐसे सैंपल हैं जो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स पे ही रन हो सकते हैं बट वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारा इंस्टीट्यूट ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमने हमारे लिंक बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको
प्रोवाइड कराइए। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा वीडियो देखते रहिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।